everyone, welcome to the new day. So मैं आज जा रही हूँ snorkeling करने and ये basically मेरा बहुत time से मन है, क्योंकि जब भी हम plan बनाते हैं beaches पे जाने का, मैं और अंशुम, so अंशुम करना नहीं चाहता कभी भी snorkeling, उसको थोड़ा सा water fear है तो वो डरता है पानी से, लेकिन मेरा बहुत मन करता है इसलिए मेरी भी रह जाती है. लेकिन आज thanks to अरुण एंड रम्या कि वो हमारे साथ थे, तो मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है. सो मैं और रम्या करेंगे स्नॉकलिंग, अंशुम और अरुण बैठ के देखेंगे. सो हम जा रहे हैं नूसा पेनिडा, सो इट्स बेसिकली एन आइलैंड, पूरा एक पैकेज है. सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 हम रेडी हैं और हम वेट कर रहे हैं बेसिकली, मतलब रूम से ही बाहर नीचे एक वैन आएगी और हमें लेके जाएगी. हम 8 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे एंड वहाँ से 40 मिनट्स की बोट राइड, तो स्पीड बोट की राइड है, आराम से जाएंगे. आइलैंड के बीच में हमारी स्नॉकलिंग होगी और 3 पॉइंट्स है स्नॉकलिंग के. सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रिप गोज ऑन. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिए. स्नॉकलिंग वाले कपड़े वहीं पे पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, गियर्स, लाइफ जैकेट, एवरीथिंग, एंड विल शो यू एवरीथिंग इन डिटेल. तो बने रहो भाई. ओके, सो पिकअप हो चुका है हमारा और हम लोग पिकअप वाली जो भी गाड़ी है उसमें बैठे हुए हैं. पीछे बैठे हैं हमारे तीन तीन मस्ताने पीछे बैठे हैं. कैसा फील है, कैसा फीलिंग है? ज़ॉम्बी जैसी फीलिंग आ रही है, बट आई होप कि वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा. तेरे को तो भाई, तुझे मेरे को तो पता है हमें करना क्या है. सोना है. मैं अपनी फीलिंग बताई थी सबको. आई टोल्ड यू माय फीलिंग्स. सोना है. ब्रो कोड एंड लेट्स गो. और बाकी दो दो गोरे हमारे साथ आगे बैठे हुए हैं. चार पांच लोगों का पिकअप हो रहा है यहाँ पे. चार पांच लोगों का पिकअप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे. सनूर जा रहे हैं, है ना? सनूर जा रहे हैं, जो कि हमारे होटल से 1 घंटा दूर है आई थिंक. बाकी जितना भी होगा वो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा पहुँचने के बाद. सो जैसे ही पिकअप होते हैं हम लोग निकल जाएंगे सनूर के लिए और वहाँ से फिर हमें नूसा पेनिडा की बोट मिलेगी. तो जाते हैं और आप रास्ते के कुछ शॉट्स इन्जॉय करें तब तक. ओके, सो हम लोग पहुंच गए हैं सनूर, जो कि हमारे सेमिनियक वाले होटल से 1/2 घंटा दूर है. और हम जा रहे हैं अब इनके ऑफिस, जिनके थ्रू हमने बुक कराया, उनके ऑफिस जा रहे हैं. एंड हम बहुत ज़्यादा नींद में, बहुत सुबह उठने की आदत नहीं रही 2 दिन से, तो पानी दिख जाए. तो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं आपको कुछ ब्रीफिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता. और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ. तो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का, सब लोग लाइन में जा रहे हैं, कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे है. ओके, सो यहाँ चल रही है वेटिंग नंबर आने की, कि कब निकलेंगे बोट के लिए. और हमें भूख लग रही है तो हम लोग आ गए हैं एक ईटिंग जॉइंट है ये वाला. यहाँ पे हमने लिया है राइस विद एग एंड कॉफ़ी सबके लिए. अरुण समझा रहा है और दोनों को इंग्लिश नहीं आती, तो पता नहीं ये कैसे बात कर रहे हैं. देखते हैं क्या बात कर रहे हैं आपस में. हंसी हंसी करके बात कर रहे हैं. वो उसकी बात नहीं समझ पा रही, वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा, बट पता नहीं ऑर्डर हो गया. अच्छा, फोटो से. अभी हमें है आई थिंक 10-15 मिनट है और 5-7 मिनट में खाना भी पैक हो जाएगा, बिकॉज राइस बने हुए होते हैं और ऑमलेट बना देंगे फटाफट. और हमने बोल दिया नॉन स्पाइसी बनाना है, तो दो के लिए बोल दो इसको, स्पाइसी कर देंगे दो में. सो बस वेट करते हैं. ये पहन लीजिए, ये हमारा पट्टा है. ओ, ये हमें शादी हो गई हमारी, बाली में फिर से शादी हो गई. तो यहाँ पे बन रहा है हमारा, उधर बन रहा है राइस, मतलब राइस बने हुए ऑमलेट बन रहा है. और सस्ता है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है. कितने का खाना है भाई? सो हमने मंगाए हैं 4 राइस विद एग एंड 3 कॉफ़ी और बिल आया है 1,05,000 का, जो कि पड़ गया हमें 520-530 समथिंग का. ये सारी चीज़ें आई हैं तो विच इज़ वेरी रीजनेबल. तो फटाफट खा लेंगे, पैक करवा दिया हमने वैसे, कि अगर बाई चांस भागना पड़े तो हम लोग बोट पे खा सकें. क्या शेड्स हैं भाई. ओके, सो वी आर जस्ट वेटिंग हमारे जो गाइड भैया है, इन शॉर्ट. ओए होए, बाकी सब बातें बाद में. ये मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है सुबह सुबह आवाज़, क्योंकि दिल्ली में ऐसी आवाज़ें सुनने को नहीं मिलती. क्यों उठते लेट ही है, लेट एज इन आराम से उठते हैं.
चिकन वाली कुकड़ू आवाजें मैं सुन रही हूँ एंड उनका वेट कर रहे हैं हम एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी सी गूज बम्स भी हैं, थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ, बट यस आई लेट्स होप फॉर द बेस्ट. गुड विशेस भेजो, ऑल द बेस्ट बोलो तो भी मोटिवेशन आएगी. ओके सो एज यूजुअल हम लोग लेट हैं. सब लोग जा चुके हैं लेकिन हम अपना खाना पैक कराने में हमारी प्रायोरिटी ज्यादा अलग हो जाती है. खाने की प्रायोरिटी, खाना नहीं छूटना चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए. खाने के साथ चटनी भी लाए हैं, चटनी की भाई चटनी छूट जाए. हमने पैक क्या कराया अभी तक? हां तो सब लोग जा चुके हैं, हमारे लिए एक स्पेशल बंदा आया हमें बुलाने के लिए कि भाई कहाँ हो, जल्दी चलो जल्दी चलो. सो अब जा रहे हैं इसके पीछे पीछे, बाकी सारे आगे पता नहीं कहाँ निकल गए. और हो सकता है हमें इस चक्कर में सीट भी बेकार मिले, मुझे तो विंडो सीट चाहिए भाई. इन्होंने मेरी मेरी कॉफी में नासी गोरंग कर दिया. अबे कुछ गंदी सी कॉफी मैंने भी पी, ऐसे मुंह में वही पाउडर पाउडर आ गया. ये वही बना इनका वही. अब इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नीचे बैठी गई है. हाँ तो यहाँ की जो कॉफी है ना उसमें पता नहीं क्या डालते हैं, पाउडर मुंह में आता है. मतलब कुछ ऐसे जो उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं कॉफी के पाउडर के वो आते हैं मुंह पे और मेरे गले में कुछ अटक गया है ऐसा लग रहा है. जरा ठीक करता हूँ उनको. सो यहाँ पे ऐसी कुछ भीड़ है स्नॉर्कलिंग वालों की, बोट वालों के लिए. बड़े सही सही ऐसे बना रखे इन्होंने ड्रैगन स्टैचूज. तो हम लेट हैं तो इसलिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा बाकी लोगों की तरह. हमें फटाफट हमारा बंदा साइड से ले आया क्योंकि हम लेट हैं, हम लेट हैं लेट. सो ये टिकट्स है और यहाँ पे टिकट स्कैन हो रही है. ओके सो एक पॉइंट नीचे इन्होंने स्कैन करा था, अब यहाँ पे फिर से टिकट स्कैन होने वाली है. गेट नंबर 2 बोर्डिंग का. थैंक यू. सो लोग सर्फिंग के लिए भी जा रहे हैं यहाँ से. सिस्टम बहुत सही है सर, एयरपोर्ट में आए हुए. हाँ प्रॉपर चेकिंग एंड ऑल, प्रॉपर टिकट विकेट देख रहे हैं बार बार, दो बार चेक करिए प्रॉपर टिकट. और सामने देखो आप, वाओ. सो ये गेट नंबर 1 है. हम लोग यहाँ से नीचे आए हैं पहला बुहान सनूर और यहाँ पे सारी स्पीड बोट्स खड़ी हुई है जिनसे लोग इधर उधर जाएंगे. और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, पता नहीं क्यों हमारी गिलिटी कैंसिल हो गई. लोग सर्फिंग के लिए भी बोला है. हाँ मैंने भी दिखा, मैंने बोला दिखाया मैंने कि सर्फिंग के लिए लोग जा रहे हैं. इतना प्लेजेंट वेदर हो रहा है सही में भाई. क्यों कैंसिल हो गई हमारी? तो अभी तो हम मजा सुबह 9:30 बजे तो चले जाते हैं हम लोग. सही दिन उनको ये डर होता है भाई, 3-4 दिन का जो वेदर फोरकास्ट उनके हिसाब से आ रहा होगा तो चक्कर उन्होंने कैंसिल करी होगी की कोई अटक ना जाए फंस ना जाए. तो यहाँ पे जहाँ पे जिसको जाना है उसके अकॉर्डिंग उनकी बोट्स खड़ी हुई है. हमारी आई थिंक ये वाली है एक स्टोन जो कि अर्जुना 6 के सामने खड़ी हुई है. सो ऐसे लोग जा रहे हैं अंदर. सो हम बोट पर चढ़ गए हैं. हेलो ओके. सो नीचे भी रास्ता है, नीचे भी बैठने का है और ऊपर भी बैठने का है, बट हम इतनी लेट है कि सारी विंडो सीट जा चुकी है मोस्ट प्रोबेबली. तो फाइनली स्पीड बोट चलना स्टार्ट हो गई है. वैसे तो 9 बजे का टाइम था बट अभी 9:30 बजे चली है. पैक्ड है पूरी, फुल हो रखी है एकदम. और पता नहीं इतने सारे लोग स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हैं या लोग कहीं पे रहने जा रहे हैं, नूसा पेनिडा में रहने स्टे के लिए जा रहे हैं. आई थिंक स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हैं. सब तो नहीं कर रहे होंगे पता नहीं, क्योंकि लोग बड़े बड़े बैग्स भी लाए हैं ना तो हो सकता है कि स्टे करने जा रहे हो. सो साक्षी को लग गई है भूख और वो खा रही है अपना राइस एंड ऑमलेट. ये क्या डाला तो चिली सॉस और ये फ्लेक्स है कुछ. पूरे बंदी स्नॉर्कलिंग से पहले मजे लेने वाली है. मम्मी ने कहा भूखे पेट नहीं जाना. फोन किया था तूने मम्मी को भी? फ्राइड अनियंस होते हैं. हाँ ये फ्राइड अनियंस है और चिली फ्लेक्स है और ऑमलेट मतलब अंडा भुर्जी है और राइस है. ओके सो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ. एंकर कर दिया उन्होंने बोट को और अब सब उतर रहे हैं. सो बाहर निकल के आपको व्यू दिखाता हूँ. यहाँ से तो बड़ा सही लग रहा है और पानी में उतरना पड़ेगा. देखो यहाँ से उतरना पड़ेगा पानी में और फिर चल के जाना है. हेलो बॉस, पूरा इसमें कर भाई. सो ऐसा कुछ सीन है, बाहर खड़े हैं लोग बहुत सारे. सो ऐसे उतरना पड़ रहा है सबको. देखो सब उतर रहे हैं ऐसे.
वाओ क्या ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, मस्त। इसी पानी में हम अंदर जा रहे हैं। No, brother. Thank you. Yeah. This is my name. मेरा नाम लिखो भाई। हम बोट से उतरे और सीधा नाम। Yeah. Rapper also. What's your name? He's a friend. Yana. Good to meet you. Nice to meet you. Yeah, you are a good guy. Yeah, happy. तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। सो हमें लगे टोटल फास्ट बोट से 40 मिनट्स लगे हैं पहुंचने में, बाकी इन्होंने थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ पे एंकर करने के लिए लगा दिए बोट को, क्योंकि एंकर इन्होंने वहाँ से करा, मतलब उधर दूर से करा और फिर यहाँ बैक करके बोट लगाई है पूरी। अभी सब लोग वो कर रहे हैं, डीप्लेन हो रहे हैं, डीबोर्ड हो रहे हैं, और उसके बाद अभी हम चार लोग हैं, उसके अलावा कुछ 2-3 लोग और आने हैं, तो साथ में फिर हम लोग जाएंगे स्नॉर्कलिंग करने के लिए। सो यहाँ लाइन से खड़ी हुई है सारी बोट, सब लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बोट कंपनी के थ्रू आए हैं। तो ये सारे हमारी बोट के लोग उतर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनको वापस जाना है। सो हमारे जो मिसिंग 3 लोग थे वो भी मिल गए और अब हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा कर तो ये अभी हमें बोट पे ले जा रहा है? नहीं, अभी हमें कार में लेके जा रहा है। अच्छा, अभी हम लोग कार से लेके जाएगा। बीच से फिर हमारे पास स्नॉर्कलिंग के लिए लेके। भाई क्या सही प्रॉपर्टी है यहाँ पे, पूल सामने पूल और उसके सामने पानी ही पानी। ये मारुति बीच क्लब। ओके, सो हमारे गाइड याना के थ्रू मुझे पता लगा है कि अभी हम जा रहे हैं पहले क्लिंकिंग बीच, फिर ब्रोकन बीच और फिर एक और कोई बीच है, ठीक है। ये 3 बीचेस घूमेंगे, उसके बाद लंच का टाइम होगा तो लंच करेंगे और फिर लंच के बाद यहीं पे आएंगे, इसी पोर्ट पे आएंगे, फिर आके यहाँ पे स्नॉर्कलिंग का जो भी प्रोग्राम होगा वो होगा और फिर स्नॉर्कलिंग करके वापस बाली की तरफ चले जाएंगे। तो ये अभी हमारा प्लान है। तो अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं जहाँ भी गाड़ी है, और भर भर के सनस्क्रीन स्प्रे कर दिया है फेस पे, हाथों पे, जो जो विजिबल है एरिया वहाँ पे। अब देखते हैं कितना ये बचा पाएगा कितना नहीं। सो ये गाड़ी आई है हमें पिक करने के लिए। याना इज हियर विद अस, टेक अस टू क्लिंकिंग बीच, देन ब्रोकन बीच एंड देन मेबी वी चेक द टाइम, इफ वी नॉट वी गो देयर। ओके, लेट्स सेट फोकस टू द फेमस स्पॉट। ओके, सो बाकी हमारे बंदे पीछे बैठे हुए हैं फस के। सही में यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा ह्यूमिड हो रहा है ना, ऐसे पसीने निकल रहे हैं। तो यहाँ पे गर्मियों में आओ, सर्दी तो होती नहीं है ना भाई यहाँ। यहाँ पे या तो यहाँ पे ड्राई सीजन है समर का या ये वेट सीजन है बारिश वाला। सो अब निकल गए हम लोग क्लिंकिंग बीच के लिए। सो क्लिंकिंग बीच पहुँचते हैं और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या व्यू है, क्या बीच है, क्योंकि ये बंदा बोए को याना बोल रहा है कि बहुत सही बीच है, फेमस बीच है यहाँ का। सो लेट्स सी। ओके, सो हम लोग पहुंच गए हैं क्लिंकिंग बीच। यहाँ पे इसकी पार्किंग है पूरी और हम जा रहे हैं अब क्लिंकिंग बीच की तरफ। साक्षी एरी, इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है इसका ऐसे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा इसको पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मतलब वो वॉमिटिंग प्यूकिश फील मुझे भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मुझे भी हो रही है। मतलब अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना, एक्चुअली हम लोग बोट से आए सीधे, फिर उसके बाद गाड़ी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और ये था भी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स दूर वहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा हमें। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे फिर दूसरी जगह जाएंगे, सो बेटर हो जाएगा। ले लेते को लेनी है तो। सो वॉक कर रहे हैं बीच की तरफ। सो हम लोग चल रहे हैं, साक्षी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो इसने ले ली है ये हैट, अपने लिए भी और रेम्या के लिए भी, और वो अरुण वगैरह सब आगे निकल गए बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने आगे, उनको शायद पता ही नहीं है कि हम पीछे आ नहीं रहे, वो चले जा रहे हैं। हमारा गाइड भी चला गया, हमारे साथ 3 लोग और थे वो भी चले गए, सब चले और हम लेट हैं फिर से। सो ऐसा कुछ रास्ता है, शॉप्स हैं यहाँ पे, छोटी मोटी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, नारियल पानी मिल रहा है, खाना पीना, जूसेस, सब कुछ है यहाँ पर। सो ऐसा रास्ता है नीचे जाने का, अभी इस पर चढ़ाई करके भी आना पड़ेगा। ओ, 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 ओ। वो लोग कहाँ गए? सो ऐसा व्यू है कुछ अभी तो यहाँ से, बाकी आई थिंक नीचे जाने का भी रास्ता है, लाइन लगी हुई है फोटो खिंचाने के लिए, इधर ऊपर से भी फोटो खिंचाने का सीन है। सो इट्स लाइक दिस, और बंदर घूम रहे हैं यहाँ पे। सो ये यहाँ पे भीड़ लगी हुई है फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कराने के लिए लोगों की, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
तो यहाँ से इसका रास्ता स्टार्ट है और ये ऐसे नीचे तक जाता है सीढ़ियों से होते हुए। सो ये सारी सीढ़ियाँ ऐसे जा रही है, ये टोटल इन टोटल 2000 सीढ़ियाँ हैं, तो आप देख सकते हो ऐसे सीढ़ियाँ जा रही है पूरी, नीचे रास्ता जा रहा है और ये थोड़ा कच्चा कच्चा है बीच में रास्ता। अभी यहाँ पे तो ठीक लग रहा है बट नीचे थोड़ा कच्चा है, वहाँ पे लोग नीचे बीच पे भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से दिख रहे होंगे आपको। बट ये 2000 सीढ़ियाँ नीचे जाने की है और उतना ही फिर वापस आने की, 4000 सीढ़ियाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी। टाइम बहुत कम है, टाइम भी कम है हमारे पास क्योंकि हमें 3 बीचेस पे जाना है, फिर इनको स्नॉर्कलिंग करनी है। तो यहाँ पे चल रही फोटोग्राफी बिकॉज पीछे का व्यू है ये वाला, सो बहुत ही सुंदर है यार। पता नहीं कैमरे में आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, बट रियलिटी में इट्स लाइक अमेजिंग है भाई। एकदम ब्लू वाटर है इस साइड पे, यहाँ नीचे पूरा यहाँ पे, और लोग दिख रहे हैं थोड़े बहुत नीचे बीच पे बिकॉज जो नीचे जा रहा होगा ऑब्वियसली। सो अब रेम्या की पिक्चर्स क्लिक हो रही है, मेरी और साक्षी की हो चुकी है, एंड यहाँ पीछे लाइन लग गई है कुछ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, कुछ नीचे जाने के लिए, और नीचे से लोग आते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो ये व्यू है भाई, नीचे तो नहीं जा सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं अभी हमारे पास, बट ये व्यू है। फोटोग्राफ्स क्लिक करवा ली हो आप हमारे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी हो रही है पिक्चर्स क्लिक, ये भी एक पॉइंट है। पिक्चर्स अच्छी आई हैं मेरे फ़ोन में भी, बहुत सही आई है, सही में बहुत गर्मी है। सो ये जितने भी लोग हैं सारे फोटोग्राफ्स क्लिक कराने के लिए खड़े हुए हैं, देखो हमारा गाइड ऊपर चढ़ गया है, फोटो खींचेगा हमारी यहाँ से नीचे ये व्यू के साथ, और यहाँ पे सारी लाइन लगी हुई है। ओके सो हम नीचे से होके आ गए हैं ऊपर की तरफ, हमारी पिक्चर्स भी बहुत सारी क्लिक हो गई है, सेटिस्फाइड है, अब दूसरी जगह जाएंगे। नहीं एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा यहाँ का, क्लैंकिंग खास नहीं था? नहीं था क्यों, इतनी सुंदर जगह तो है, नीचे तक जाओ तो मजा भी आए, बट मर जाएंगे यार नीचे जा नहीं सकते, नीचे जाने के लिए 2000 सीढ़ियां, तो बोलते हैं 2 घंटे नीचे जाना और 2-3 घंटे ऊपर आना, सो बहुत ज़्यादा है इसलिए हम नीचे नहीं गए, और आई थिंक 1/4 भी नहीं, उससे भी बहुत पहले हमने पिक्चर्स क्लिक करवा ली अपनी, क्योंकि मेन तो व्यू ही है, पानी में जाना नहीं था अभी, तो व्यू के लिए हमने पिक्चर्स क्लिक करा ली। और इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे इंस्टाग्राम के हमारे, फॉलो करो बस। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, भयंकर, दिसंबर के टाइम पे इतनी गर्मी, सॉरी जनवरी के टाइम पे इतनी गर्मी है, तो यहाँ पे जब समर टाइम होता होगा तो जो ड्राई सीजन है भाई, तो जल जाते होंगे मुझे लग रहा है लोग यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं रह गया, ऑलरेडी 12:30 हो रहे हैं और 1:30 बजे तक स्नॉर्कलिंग पॉइंट पे पहुंचना है स्नॉर्कलिंग करने के लिए, फटाफट भाग रहे हैं, हमारे साथ 3 लोग और हैं तो इसलिए हमें भी जल्दी करना पड़ रहा है। सो बस अब गाड़ी में बैठते हैं, बहुत गर्मी है, AC में बैठेंगे और निकलेंगे रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने।